आज की क्लास में हम बढ़ता प्रदूषण पर निबंध करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में प्रदूषण सरकार के लिए तथा अधिकतर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या है। प्रदूषण के बढ़ने के कई कारण हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खेतों के स्थान पर मकान बनते जा रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाला धुआं और अनेक प्रकार की जहरीली गैसें वातावरण को दूषित कर रही है। सड़कों पर दौड़ने वाली बसों, ट्रकों, कारों, स्कूटरों आदि से निकलने वाले धुएं ने वातावरण को बिल्कुल धुंधला कर दिया है। इस धुएं से श्वास और फेफड़ों के रोग बढ़ रहे हैं। धुएं से बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। कारखानों और सड़कों पर चलने वाले वाहनों के धुएं के कारण शाम के समय आसमान लाल रंग का दिखाई देता है। नदियों का जल, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, उसमें भी कारखानों का गंदा पानी तथा लोगों का मलमूत्र बहाया जा रहा है। मरे हुए पशुओं को लोग नदियों के किनारे फेंक देते हैं, उससे भी पानी और वायु दोनों ही प्रदूषित होते हैं। लोग खुली जगहों पर कूड़ा कचरा डाल देते हैं, सड़कों पर भी कूड़ा कचरा डाल देते हैं, जो कि वातावरण को दूषित करता है। आज प्रदूषण सरकार की समस्या नहीं बल्कि हर व्यक्ति की है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है। भारत में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अतिरिक्त खुले स्थानों पर पेड़ लगाने चाहिए, इससे कुछ हद तक प्रदूषण से निपटा जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।